तो हेलो मेरे टू फैमिली, तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से बिल्कुल हाई क्वालिटी का मैं अपने फोटो में फेस को स्मूथ किया हूँ, प्लस में ट्रेंडिंग वाला हेयर एडिटिंग किया हूँ, जो कि आप लोग को बहुत ही खतरनाक बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला, जो कि आप लोग पूरे यूट्यूब पर इस तरीके का कोई तरीका कोई नहीं बताता है। ठीक है मेरे, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोग को फोटो में देखे पहले किस तरीके का दिख रहा था। यहाँ पर फेस देख सकते हैं कितना लो क्वालिटी का, बिल्कुल बेकार हम लोग का ख़राब हम लोग का फेस दिख रहा है। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम लोग का हेयर वो तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग कैसे इस तरीके का जो फोटो रहता है, आप लोग कैसे इस तरीके के फोटो को इस तरीके से एडिटिंग आप लोग कैसे बिल्कुल हाई क्वालिटी में कैसे करिएगा, तो बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा सिखाऊंगा। तो चैनल पर नए होंगे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, डायरेक्ट आपको बताता हूँ सिखाता हूँ कि आप लोग कैसे अपने फेस को इस तरीके से वाइट कैसे कीजिएगा और इस तरीके का हेयर एडिटिंग कैसे कीजिएगा। तो आप लोगों का जो भी रियल फोटो रहेगा, ठीक नंबर भाई, आप लोग का जो भी रियल फोटो रहेगा, आप लोग अपने फोटो को ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर में शेयर कर लीजिएगा। और वहाँ पर मैं बताऊँगा कि आप लोग को ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले एप्लीकेशन के अंदर से क्या क्या फोटो में करना है, जिस वजह से आप लोग हाई क्वालिटी का हेयर एडिटिंग और फेस स्मूथ कर पाएगा। तो हम लोग ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले एप्लीकेशन में शेयर कर लेते हैं जल्दी से। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हम लोग का फोटो है वो ऑटोडेस्क स्केचबुक वाला एप्लीकेशन के अंदर में आ चुका है। तो यहाँ से आप लोग को फेस वाइट कैसे करना है, यहाँ पर हेयर एडिटिंग कैसे करना है, बैकग्राउंड को कैसे ब्लैक करना है, सारा तीनों चीज़ भी आप लोग देखिएगा, एक ही बार में सिखा दूंगा बता दूंगा। ठीक है मेरे भाई, आप लोग यहाँ पर देखिए ऊपर की साइड में यहाँ पर आप लोग को एक ब्रश का टूल मिल रहा होगा, एक लेयर का टूल मिल रहा होगा। तो आप लोग क्या करना होगा, ब्रश वाला टूल आना रहेगा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए ट्रेडिशनल में, ठीक है मेरे भाई, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ट्रेडिशनल पर आप लोग जैसे ही आएगा तो आप लोग यहाँ पर देखिए सॉफ्ट एयर ब्रश मिल जाएगा। तो आप लोग को वाला सॉफ्ट एयर ब्रश को लेना रहेगा। यहाँ से आप लोगों को ब्लैक कलर मतलब ब्लैक कलर लेना है और लेयर वाला ऑप्शन पा जाना रहेगा। यहाँ पर देखिए प्लस वाला पर टैप करिएगा आप लोग, तो यहाँ पर क्लियर खुल करके आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ, बस आप लोग पूरा वीडियो देखते जाइए, एक एक चीज़ सीख जाएगा। तो हम लोग इसी लेयर का ब्लेंडिंग मोड कर लेंगे सॉफ्ट लाइट, यहाँ पर देख सकते हैं सॉफ्ट लाइट है, तो हम लोग इसी का ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट कर लेते हैं। और सॉफ्ट लाइट करने के बाद देखिए हम लोग अपने बैकग्राउंड में सेव देखिए कुछ बहुत ही आसान तरीके से ऐसे ही करके हम लोग पूरा का पूरा हम लोग बैकग्राउंड में चला लेंगे, जिससे जो हम लोग को बैकग्राउंड रहेगा वो काला हो जाएगा, जो कि आप लोग मेरे फोटो में देखा था जो मेरा बैकग्राउंड था इसी वजह से ब्लैक था। तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। ठीक है मेरे भाई, आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से करते जा रहा हूँ, तो आप लोग भी इस चीज़ को ज़रूर से कर लीजिएगा। तो मैं जल्दी से थोड़ा सा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को बोरिंग ना लगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग पूरे बैकग्राउंड में चला लिए हैं, और चलाने के बाद फिर से हम लेयर पर आ जाएंगे। ऊपर के साइड में देखिए हम प्लस वाला फिर देखेगा आप लोगों को, फिर से आप लोगों को प्लस वाला पर टाइप करके फिर से लेयर देखिए यहाँ पर ले लेना है। इसका फिर से हम लोग ब्लेंडिंग मोड कर लेंगे सॉफ्ट लाइट, यहाँ से हम फिर से इसका ब्लेंडिंग मोड सॉफ्ट लाइट कर लेंगे। अब इसका हम लोग कलर क्या लिए थे, यहाँ पर देखिए ब्लैक लिए थे, अब इसका हम लोग कलर अब व्हाइट ले लेंगे। कलर व्हाइट लेने के बाद सफ़ेद कर लेने के बाद देखिए हम लोग सिर्फ फेस पर चलाएंगे यही सॉफ्ट एयर ब्रश को। साइज को अपने हिसाब से देख करके रख लीजिएगा, देख सकते हैं हम लोग अपने फेस में अब सॉफ्ट एयर ब्रश को व्हाइट कलर में चला रहे थे। हम लोग का फेस देखिए किस तरीके से व्हाइट होते जा रहा है। ठीक नंबर भाई, आप लोग भी इस चीज़ का यूज़ कीजिएगा, आप लोग का भी फोटो बहुत ही खतरनाक तरीके से व्हाइट हो जाएगा। अभी हम लोग को बिल्कुल हाई क्वालिटी का नहीं हुआ था, आप लोग भी अभी आप लोगों के सामने में बिल्कुल हाई क्वालिटी में करके दिखाऊंगा अपने फोटो को। आप लोग देख सकते हैं कितना हम लोग का फोटो जो है वो डिफरेंट लुक में आ चुका है। तो बस आप लोग पूरा वीडियो देखते जाइए, पूरा चीज़ भी सटीक तरीके से भी हो जाएगा। ठीक ना, अभी देखते जाइए इसी पर भी प्रोसेस हो रहा है। ठीक ना, कि आप लोग अपने फोटो में क्या क्या चीज़ को कैसे कैसे अप्लाई करना है, कितने सेटिंग पर, आप लोग यही चीज़ जान जाइएगा तो आप लोग प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा। ठीक ना, फोटो एडिटिंग करने में आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे तरीके से हम लोग फेस को व्हाइट कर लिए। ठीक ना, तो अभी पूरे तरीके से व्हाइट नहीं हुआ, अच्छे तरीके से नहीं हुआ, तो पूरे डिटेल में करेंगे। ठीक है मेरे भाई, देख सकते हैं आप लोग कितना आसानी तरीके से हम लोग का जो फेस है वो व्हाइट हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग हल्का सा इसको स्नैपसीड वाला एप्लीकेशन में एडिटिंग करेंगे। तो यहाँ से हम लोग अपने फोटो को कर रहे थे सेव और चलते हैं स्नैपसीड वाला एप्लीकेशन में इस वाला फोटो को लेकर के। हम लोग देखिए अपने फोटो को स्नैपसीड वाले एप्लीकेशन के अंदर में शेयर करेंगे, वहाँ से देखिए कैसा कैसा क्या सेटिंग पर करके एडिटिंग करना आप लोग वो बस देखते जाइए। ठीक है मेरे भाई, तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ऑटोडेस्क इसके स्नैपसीड वाले एप्लीकेशन में, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये वाला इफेक्ट को अप्लाई कर लेना है। आप लोग यहाँ पर जो इफेक्ट मिलेगा ना भाई मेरे, सबसे पहले आप लोग इस वाले इफेक्ट अप्लाई कर लेना बिना किसी दिक्कत परेशानी के। यहाँ से कर लेते हैं डन, और डन करने के बाद आप लोग यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर देखो टूनल कंट्रास्ट, आप लोगों को टूनल कंट्रास्ट पर कर देना है क्लिक, और क्लिक करने में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ से हम लोग कर देना है सेव, और सेव हो गया। अब हम लोग क्या क्या करना है, बस हम लोग को यहाँ से अपने फोटो को ऐसा ऐसा यहाँ पर क्योंकि स्नैपसीड में, क्योंकि हम लोग को फोटो में देखिए बिफोर आफ्टर
बिफोर आफ्टर, यही कुछ डिटेल्स आ जाता है, क्लियरिटी आ जाता है। ठीक नंबर अभी हम लोग अपने फोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम वाले एप्लीकेशन में। लाइटरूम वाले एप्लीकेशन में हम लोग अब इस वाले फोटो को शेयर करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग जो फोटो है, हम लोग अपने फोटो को फिर से लाइटरूम वाले एप्लीकेशन में लेकर के आ चुके हैं। तो यहाँ से देखिए आप लोग कैसे कैसे क्या एडिटिंग करना है, कैसे लाइट को एडजस्ट, कैसे कलर को एडजस्ट करके अपने फेस में कैसे बहुत ही डिफरेंट लुक का व्हाइट कलर देना है। तो हम लोग को लाइट वाला ऑप्शन पाना रहेगा। कॉन्ट्रास्ट हम लोग हल्का सा बढ़ा लेंगे, हाईलाइट को भी हम लोग बढ़ा लेंगे, ठीक ना। शैडो, शैडो को बस थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, व्हाइट को हम लोग हल्का सा कम कर लेंगे, ब्लैक को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कितना रखें, हाईलाइट को हम लोग और कॉन्ट्रास्ट को 20 के रेंज में, हाईलाइट को 29 के रेंज में, शेडो को 16 के रेंज में, वाइट को -11 के रेंज में, ब्लैक को -5 या 6 के रेंज में। इतना ही रेंज में आप लोग को रख करके अपना फोटो करिएगा तो आप लोग का जो फोटो रहेगा वो बिल्कुल हाई क्वालिटी का वाइट होगा, जो कि इसे जल्दी कोई नहीं बताता है। ठीक है मेरे भाई, आप लोग देखिए पूरा एक चीज़ बारीकी से बता रहा हूँ। तो आप देखिए आप लोग को कलर वाला ऑप्शन पा करके मिक्स वाला ऑप्शन पा जाना रहेगा। देखिए आप लोगों को करना क्या रहेगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन है, यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर है, तो यहीं से हम लोग अपने बैकग्राउंड को पूरा ब्लैक करेंगे। तो सबसे पहले ग्रीन वाला कलर पा जाते हैं, इसका हम लोग सेचुरेशन कम करेंगे तो देखिए बैकग्राउंड पूरा ब्लैक हो गया। बिफोर आफ्टर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से लुमिनेंस को इंक्रीज कर लेंगे तो हल्का थोड़ा सा डिटेल आ जाएगा फोटो, थोड़ा सा मतलब लुमिनेंस को हम लोग कर लेंगे कम। अब देखिए हम लोग क्या करना है, अब देखिए हम लोग का बैकग्राउंड हो गया, अब देखिए हम लोग का फेस से देखिए हम लोग ये कलर मैच कर रहे हैं, आप लोग मिला सकते हैं। तो हम इस वाले कलर से अपने फेस को अच्छे से एडजस्ट करेंगे, तो इस वाले कलर का सेचुरेशन देखिए हम लोग कम करेंगे, लुमिनेंस को देखिए बढ़ा लेंगे। हम लोग का फेस देखिए कितना हाई क्वालिटी में वाइट हो गया। अब हम लोग इसका ह्यू जो हल्का सा कम कर लेंगे, कुछ इस तरीके से ब्लू है तो ब्लू को भी हम लोग सेचुरेशन हम लोग कम करेंगे, लुमिनेंस को बढ़ा लेंगे, मतलब ब्लू का सेचुरेशन हम लोग बढ़ा लेंगे। ठीक, और ह्यू का इसका हम लोग लगभग अपने मत, आप लोग जिस तरह आपको शर्ट का कलर अच्छा लगे, जितना पर अच्छा लगे शर्ट का कलर आप लोग उतना पर कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग करेंगे डन, और यहाँ से इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लियरिटी डिटेल्स पा जाएंगे, शार्पनेस रेडियस और डिटेल्स, यहाँ से हम लोग इतना सारा कुछ कर लेना। आप लोग देख सकते हैं कितना हाई क्वालिटी का हम लोग फेस भी वाइट हो गया, बैकग्राउंड भी ब्लैक हो गया। और हम लोग को करना है बैकग्राउंड को ब्लर, बैकग्राउंड को ब्लर करने के लिए हम लोग फोटो रूम वाले एप्लीकेशन के अंदर में चलूँगा। एक एक चीज़ बता रहा हूँ, पूरा बारीकी से बता रहा हूँ, सटीक सटीक बता रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। यहाँ से हम लोग अपने फोटो को सेव करके चलेंगे फोटो रूम एप्लीकेशन में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग का जो फोटो रूम में जो फोटो हम लोग का वो स्कैन हो रहा है। अब देखिए आप लोग को क्या करना है, जैसे हम लोग फोटो रूम वाले एप्लीकेशन के अंदर में आ जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। ठीक ना, तो हम लोग को अपने बैकग्राउंड को करना है ब्लर, तो आसानी तरीके से ब्लर करने के लिए देखिए यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे, जो ब्लर लिखा हुआ है ना देखिए यहाँ पर, इसी वाले हम लोग ऑप्शन पर आ जाना रहेगा। इस वाले ऑप्शन पर आ जाने पर देखिए क्या क्या प्रोसेस करना है ये चीज़ देखिए। तो हम लोग जैसे ब्लर वाला पर टाइप करेंगे तो आप लोगों के सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। और आने के बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है, तो हम लोग जैसे आएंगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पर देखिए पर्सन और बैकग्राउंड दो चीज़ ऑप्शन खुल करके आएगा। तो हम लोग को बैकग्राउंड पर कर देना है क्लिक, तो क्योंकि हम लोग को बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो बैकग्राउंड पर करेंगे और ब्लर वाला ऑप्शन पा जाएंगे। ब्लर आप लोग यहाँ से जो भी ब्लर आप लोग को अच्छा लगेगा वो ब्लर ले लीजिएगा। तो मैं गॉसियन का ही यूज़ करता हूँ, तो आप लोग गॉसियन को ले लीजिएगा। गॉसियन लेने के बाद आप जैसे टाइप कीजिएगा तो हम लोग बैकग्राउंड थोड़ा सा लो क्वालिटी में ब्लर रहेगा, तो इसको हाई क्वालिटी में ब्लर करने के लिए पूरा हम लोग फुल कर देंगे। फुल जैसे ही करेंगे हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अपने फोटो कर लेंगे सेव। अपने फोटो को सेव करके हम लोग अपने फोटो को एक बार रिमाइनिंग कर लेंगे ताकि हम लोग फोटो में क्लियरिटी आ जाए। ठीक है मेरे भाई, पूरा चीज़ एक एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कितना हम लोग का फोटो एडिटिंग हो चुका है अभी। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने फोटो को रिमाइनिंग करेंगे, जिस वजह से हम लोग का जो फोटो रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। तो आप लोग जब भी रिमाइनिंग वाले ऑप्शन में आते होंगे तो आप लोग देखिए यहाँ पर दो कलर का डिफरेंट आप लोग को मिलता होगा, एक तरफ व्हाइट हो जाता होगा, एक तरफ येलो हो जाता होगा। ठीक ना, तो उसी चीज़ का छुटकारा पाने के लिए, उसी चीज़ को उसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप लोग को कलर वाला ऑप्शन पाना रहेगा। यहाँ पर कलर वाले ऑप्शन पा जाइएगा आप लोग, और कलर वाला ऑप्शन पाने के बाद टाइप कीजिएगा तो आप लोग के सामने दो चीज़ नीचे दो ऑप्शन खुल करके आएगा, एक तो डिस्प्ले का और एक तो वन लिखा हुआ आएगा। तो आप लोग करना क्या रहेगा, आप लोग को अपने फोटो को वाइट करने के लिए डिस्प्ले, यहाँ पर देखिए आप लोग को डिस्प्ले लिखा हुआ आ रहा है, अभी आप लोग को अभी डिफरेंट दिखा दे रहा हूँ। डिस्प्ले पर जैसे क्लिक कीजिएगा देखिए वाइट हो गया ना, यहाँ से हम लोग अपने फोटो करेंगे डन। डन करके कर लेंगे अपने फोटो को सेव और चलेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले एप्लीकेशन में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जैसे हम लोग ने फोटो को रिमाइनिंग वाले एप्लीकेशन के अंदर में शेयर किया तो हम लोग को देखिए फोटो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो हम लोग को हेयर एडिटिंग करने के लिए देखिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ आप लोगों को, और अपने फोटो भी दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आप लोग को हेयर एडिटिंग करना है। आप लोग मेरे फोटो में आप लोग टेक्स्चर देख सकते हैं किस किस तरीके से, बस इस तरीके से हम लोग अपने हेयर को एडिटिंग करने वाले हैं।
आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया हूँ। जैसे जैसे मेरा हेयर है ना भाई साहब, मेरा हेयर जैसे जैसे है बस मैं उसी तरीके से अपने हेयर में, ठीक है ना, जैसे जैसे मेरा हेयर है उसी तरीके से देखिए मैं अपने हेयर में इस तरीके से पैटर्न को चला करके अपने हेयर को एडिटिंग किया हूँ। तो बस आप लोग पूरा वीडियो वॉच करते जाएगा, सारा चीज़ सीख जाएगा एक ही बार में। हमने देखा भाई मैनुअल एप्लीकेशन के अंदर सेव किए थे वही फोटो है, अब हम लोग अपने ही फोटो को फिर से शेयर करेंगे ऑटोडेस्क स्केचबुक वाले एप्लीकेशन में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग अपने फोटो को फिर से स्केचबुक वाले एप्लीकेशन में लेकर के आ चुके थे। आप लोग इसमें देखिए हेयर एडिटिंग कैसे करना है, जैसे जैसे इसमें आप लोग को हेयर दिख रहा है मेरा उसी तरीके से देखिए आप लोग को फोटो में जैसा आप लोग का हेयर दिखेगा, ठीक है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़ को, अच्छे से बारीकी से ध्यान से लीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग को हेयर दिखेगा आप लोग को फोटो में बस उसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, उसी तरीके से आप लोग को अपने फोटो में टेक्स्चर को चलाना है। तो आप लोग को चलाना कैसे देखिए चलो वो चीज़ सिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्या करना होगा, आप लोग नीचे के साइड माना रहेगा यहाँ पर मीडियम टिप मार्कर मिल जाएगा, ठीक है आप लोग को, ठीक है मेरे भाई। डिज़ाइनर देख सकते हैं आप लोग, मिस्टर फोटो डिज़ाइनर आपका डिज़ाइनर ब्रश यहाँ पर देख सकते हैं आप, मिस्टर फोटो डिज़ाइनर आपका भाई का नाम है, आप लोग डिज़ाइनर बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग देखिए कौन सा मार्कर लेना है, आप लोग को यहाँ पर मीडियम टिप मार्कर लेना है। इसका सेटिंग देखिए आप लोग को दिखाता हूँ कितना कितना रखना है, स्क्रीन शॉट इसका जरूर से ले लीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं 1.0 ओपेसिटी 100, यहाँ से आपको इसका सेटिंग का स्क्रीन शॉट लेना है जो कि आप लोग पूरे यूट्यूब पर इसी का कोई नहीं बताता है, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग मैं पूरा चीज़ सिखाऊंगा बताऊंगा, देखिए आप लोग कैसे करना है। आप लोग जैसे हेयर है ना, ठीक है मैं देखिए आप लोग हेयर यहाँ पर देखिए जिस तरीके से हेयर है आप लोगों में, बार बार कह रहा हूँ ऐसे देखिए हेयर अभी दिख रहा है आप लोग, तो इसी तरीके से आप लोग को अपने हेयर में चलाना है, ठीक है मेरे भाई। तो पूरा चीज़ चला करके आप लोग दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से जिस तरीके से हम लोग का हेयर है ना मेरे भाई, जिस तरीके से हेयर है उसी तरीके से हम लोग को देखिए पूरा चलाते आना है, देख सकते हैं आप लोग पूरा जिस तरीके से हम लोग का हेयर है बस उसी पैटर्न हम लोग को पूरा का पूरा चलाते आना है। अब देखिए हम लोग का हेयर कुछ इस तरीके से, तो हम लोग देखिए अपने हेयर में कुछ इस तरीके से चलाएंगे, आप लोग देख सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि आप लोग मैं नहीं सिखाऊंगा, सारा चीज़ सिखाऊंगा और बताऊंगा। आप लोग देख सकते हैं कितने क्लियरिटी के साथ, कितने अच्छे डिटेल के साथ देखिए मैं आप लोग को पूरा चीज़ सिखाया, जैसे जैसे हम लोग का हेयर में बार बार कह रहा हूँ मेरे भाई, जैसे जैसे हम लोग का हेयर है ना बस उसी पैटर्न में, ठीक है मेरे भाई, उसी पैटर्न में सिर्फ हम लोग चलाना है, ज़्यादा तामझाम नहीं करना है। जिस तरीके से हम लोग का हेयर है आप लोग मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए मेरा हेयर देखिए इस तरीके से दिख रहा है, हम लोग देखिए इसी तरीके से चला रहे हैं। आप लोग का जो हेयर जिस तरीके से दिखेगा, आप लोग का हेयर देखिए जिस तरीके से दिखेगा, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग का हेयर में कैसा एडिट करना है, जैसे हम लोग का हेयर रहता है उसी तरीके से एडिटिंग करना है, तो बस उसी तरीके से हम लोग को पूरे हेयर में देखिए चलाते आ जाना है, ठीक है मेरे भाई। देखिए कुछ इस तरीके से बहुत ही आसान है, कोई हार्ड तरीका नहीं है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से मैं चलाते जा रहा हूँ और हम लोग का जो हेयर है वो देखिए कितना परफेक्टली तरीके से बनते आ जा रहा है। तो आप लोग का भी इसी तरीके से पूरा हेयर एडिटिंग हो जाएगा अगर आप लोग एकदम बिल्कुल अच्छे से करिएगा, मन से करिएगा तो 100% हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से हम लोग जो हेयर है वो बनते हम लोग का आ जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। देखिए हम लोग इधर के साइड में बिल्कुल आराम से और आसानी तरीके से बिल्कुल चला कर पूरा का पूरा हम लोग जो अपना हेयर है वो एडिटिंग करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छे से हम लोग का जो हेयर है वो पूरा का पूरा बनते आ जा रहा है। अब देखिए हम लोग इधर के साइड में पूरा हेयर हम लोग बनाएंगे, तो आप लोग जैसे जैसे आप लोग इधर के साइड में हेयर रहेगा जैसे जैसे जिस तरीके से रहेगा बस उसी तरीके से हम लोग को बनाते आ जाना है। आप लोग देख ही रहे मेरा कितना कॉल आ रहा है, थोड़ा सा इमरजेंसी है, वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट में ही रखूँगा, ठीक है, इसलिए आप लोग देखिए पूरा चीज़ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आप लोग पूरा चीज़ पैटर्न पूरा तरीका सीखिए मैं किस तरीके से सिखा रहा हूँ। आप देख ही सकते हैं कितना अच्छे तरीके से जो हम लोग का हेयर वो बनते आ जा रहा है। आप लोग के सामने मेरा देख रहे कितना कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा सा इमरजेंसी में फिर भी आप लोग देखिए मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट जरूर से कीजिएगा, ठीक है, आप लोग के सपोर्ट की आवश्यकता है, ठीक है मेरे भाई, तो सपोर्ट जरूर से कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं फिर भी आप लोग देखिए पूरा बता रहा हूँ, बहुत इमरजेंसी है फिर भी आप लोग को देखिए पूरा चीज सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। आप लोग देख सकते हैं कितना क्लियरिटी के साथ जो हम लोग का हेयर है बिल्कुल आसान तरीके से पूरा का पूरा देखिए एडिटिंग होते जा रहा है। आप लोग खुद आप लोग सामने देखिए कितना बेहतरीन तरीके से जो हम लोग का हेयर है उसमें पैटर्न चल रहा है, और हम लोग का हेयर कितना बिल्कुल खतरनाक तरीके से जो हम लोग का हेयर है वो बनते आ जा रहा है, ठीक है मेरे भाई। तो ये तरीका का यूज़ करके बहुत सारे लोग बहुत वायरल भी हो रहे हैं। आप लोग यूट्यूब पर चेकआउट भी कीजिएगा, बहुत सारे बड़े बड़े एडिटर भी बड़े बड़े क्रिएटर भी आप लोग को इस टाइप के हेयर एडिटिंग सिखाने लगे, क्योंकि आपका भाई जब आया था ना यूट्यूब पर बिल्कुल ट्रेंडिंग में चल रहा है, अभी भी ट्रेंडिंग में ये वाला हेयर एडिटिंग, क्योंकि जैसे जैसे फेस स्मूथ ट्रेंडिंग में था, जैसे फेस स्मूथ ट्रेंडिंग में था आर्डिस भाई का, जैसे फेस स्मूथ ट्रेंडिंग में था उसी आपके मिस्टर फोटो डिजाइनर भाई का हेयर एडिटिंग इस टाइम बिल्कुल ट्रेंडिंग में है, ठीक है मेरे भाई। बस आप लोग को सपोर्ट की आवश्यकता है, आप लोग देखिए पूरा हेयर में आप लोग देखिए चला करके दिखाया कि कैसे कैसे चलाना, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग को फेस स्मूथ सीखना होगा तो आर्डिक्स भाई का वीडियो भी देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा तो आप लोग उसको फुल वॉच कर लीजिएगा। तो हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक साथ, तब तक एंजॉय एंजॉय भारत, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जय श्री राम।